हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोग हाइड्रोजन एंड कंपाउंड पढ़ रहे थे बेटा, और जिसमें दो लेक्चर आपको मिले थे। एक दिन 40-40 मिनट्स की दो क्लिप मिली थी, और अगले दिन 1 आवर 15 मिनट्स की दूसरी क्लिप मिली थी। आज हम लोग इसका आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आइए, जब 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक आ रहा है बेटा? ठीक आ रहा है। ओके। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा, नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, इसको वेगा बॉन्ड एलिमेंट कहते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हम लोगों ने सीखी, लार्ज स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों ने सीखे। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के हाइड्राइड पढ़े, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, राइट। इसके बाद हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस, नॉर्मल कंडीशन पर हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, वेरी लो टेम्परेचर पर क्यूबिक फॉर्म में होता है, एक वाटर चार वाटर से सराउंडेड होता है, मतलब एक ऑक्सीजन क्रिस्टलाइन फॉर्म में चार ऑक्सीजनों से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होती है विद द डिस्टेंस 276 पिको मीटर। हम लोगों ने यहाँ पर वाटर का रिएक्शन पढ़ा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ा, हाइड्राइड फॉस्फाइड नाइट्राइड के साथ रिएक्शन पढ़ा, मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड में पानी डालने पर क्या बनेगा ये पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने हैवी वाटर के बारे में शायद नहीं पढ़ा था, हाँ हार्ड वाटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, टेम्पोरेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोरेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। टेम्पोरेरी हार्डनेस को टेम्पोरेरी हार्डनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको हम लोग घर पर दूर कर सकते हैं, बॉयल करके दूर कर सकते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस को हम लोग दूर करते हैं प्रयोगशाला में ले जाकर, फैक्ट्री में ले जाकर, राइट। हार्ड वाटर हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है, बस्टिंग ऑफ बॉयलर्स हम लोगों ने देखा, वेस्टेज ऑफ सोप हम लोगों ने देखा। यहाँ पे हम लोगों ने एक नई बात भी पढ़ी थी बच्चों, एक नई बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी, एक नई बात हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि अगर बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो नो डाउट कि ये कार्बोनेट में बदलता है और साथ में वाटर अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाए। लेकिन आपको याद होगा कि अगर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो मैंने आपको यहां पर एक नई चीज पढ़ाई थी कि मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में प्रिसिपिटेट नहीं होता है, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रिसिपिटेट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस CO2। ओके, क्लार्क मेथड में भी यही किया था अपन लोगों ने, क्लार्क मेथड में भी यही किया था हम लोगों ने, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया था। तो अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रिसिपिटेट होगा। लेकिन अगर हार्डनेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही प्रिसिपिटेट होगा, राइट। परमानेंट हार्डनेस में हम लोगों ने पढ़ा था वाशिंग सोडा मेथड, Na2CO3 डालेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी कैल्शियम कार्बोनेट में प्रिसिपिटेट करेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को भी मैग्नीशियम कार्बोनेट में ही प्रिसिपिटेट करेगा। हाइड्रोक्साइड के केस सिर्फ यहां पर हैं, टेम्परेरी हार्डनेस में हाइड्रोक्साइड के केसेस हैं, परमानेंट में कार्बोनेट के फॉर्म में ही प्रिसिपिटेट होगा। कैलगॉन मेथड हम लोगों ने पढ़ा, पर म्यूटेड मेथड हम लोगों ने पढ़ा, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड हम लोगों ने पढ़ा, राइट। अब बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो आपकी वर्कबुक में अगर आप देखें एक हेडिंग पड़ी होगी, डिग्री ऑफ हार्डनेस पड़ी हुई है, उसके नीचे स्पेस खाली दिया गया है, तो उस स्पेस को क्या करिए,
दो बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए और यहां से लिखना चालू करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, व्हाट इज डिग्री ऑफ हार्डनेस, समझना बेटा, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज नथिंग, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 इन ppm, ब्रैकेट में एक्चुअली प्रेजेंट और नॉट। कोई वाटर कितना हार्ड है, उसकी हार्डनेस का लेवल क्या है, इस चीज को हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस, राइट। और डिग्री ऑफ हार्डनेस इज नथिंग, इट इज सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 इन ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। कभी भी हार्ड वाटर का हार्डनेस आपको मेजर करना है, उसकी हार्डनेस का लेवल क्या है, तो कुछ मत करो, सिंपल उस वाटर में CaCO3 का कंसंट्रेशन निकालेंगे इन ppm, बस, और उसी को हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, तो आप सिंपल समझो, डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू CaCO3 इन ppm, और वॉल्यूमेट्रिक में आप लोग पढ़ चुके हो ppm में कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, उसका वेट ऑब्लिक टोटल, मतलब हार्ड वाटर का वेट इनटू 10^6, दैट्स इट। डिग्री ऑफ हार्डनेस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 इन ppm, और ppm में कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक से आप लोग जानते हो, CaCO3 का वेट ऑब्लिक टोटल हार्ड वाटर का वेट इंटू 10^6, राइट। जैसे इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लिखेंगे 2 mg ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 2 L हार्ड वाटर, फुल स्टॉप, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन, कोई दम नहीं सवाल में। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस बराबर CaCO3 इन ppm, दैट इज वेट ऑफ CaCO3 आपको मिलीग्राम में दिया गया, हम लोग यूजली वेट इस्तेमाल करते हैं ग्राम में। देखो बेटा, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप ऊपर मिलीग्राम रखोगे तो नीचे भी मिलीग्राम रखोगे, अगर ऊपर ग्राम रखोगे तो नीचे भी ग्राम रखोगे, अगर ऊपर किलोग्राम रखोगे तो नीचे भी किलोग्राम रखोगे। तो जो यूनिट वेट का आपको CaCO3 का रखना है, वही यूनिट वेट का अपन को हार्ड वाटर का भी रखना है। मैं तो अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूँ, वेट जब भी केमिस्ट्री में कहीं पर भी आए, आप उसे ग्राम में ही रखिए। ठीक है, तो ये बेटा आपको किस में दिया गया है, मिलीग्राम में दिया गया, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 10^-3 से मल्टीप्लाई। अब हार्ड वाटर का वेट, आपको हार्ड वाटर का वॉल्यूम दिया गया है 2 L, 2 L बोले तो 2000 ml, तो वॉल्यूम आ गया 2000 ml, और वॉल्यूम में वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये हार्ड वाटर का वेट आ गया इनटू 10^6। सो द आंसर इज डिग्री ऑफ हार्डनेस कितना आएगा बताओ बेटा, 1, 2, 3, 2 से 1 आएगा, इट इज 1 ppm। दिस इज योर आंसर, 10^6, हाँ कट जाएगा, 1 आएगा, राइट।
मैं चेक कर लूँ, आपको दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल सही लाइन खींची है मैंने, ठीक है। चले, तो ये रहा एक क्वेश्चन। तो कभी भी बच्चों, डिग्री ऑफ हार्डनेस आपसे पूछा जाए, आप कुछ नहीं करेंगे, आप CaCO3 का कंसंट्रेशन निकालेंगे इन PPM। तो CaCO3 का वेट अपॉन हार्ड वाटर का वेट इंटू 10^6, राइट। अब सुनो एक बात, सुनो, देखो बेटा, अब ये जो हमने आपको क्वेश्चन दिया, ये डिग्री ऑफ हार्डनेस पर सबसे छोटे लेवल का क्वेश्चन हो गया। सीधे CaCO3 का आपको वेट दे दिया गया, सीधे आपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करने जा रहे हैं, कैसे, सुनना। क्या होता है, एग्जामिनर इस सवाल को बड़ा कैसे करेगा, वो CaCO3 का वेट आपको नहीं देगा, और जब तक CaCO3 का वेट नहीं मालूम होगा तब तक आप डिग्री ऑफ हार्डनेस नहीं निकाल पाए। एग्जामिनर क्या करता है, CaCO3 के वेट के स्थान पर दूसरे सॉल्टों का वेट दे देगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का वेट दे दिया, मैग्नीशियम सल्फेट का वेट दे दिया, कैल्शियम सल्फेट का वेट दे दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट दे दिया, और आपसे डिग्री ऑफ हार्डनेस वो पूछेगा। तो मेरा कहना है, अगर CaCO3 का वेट आपको नहीं दिया जा रहा, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा CaCO3 का वेट विद द हेल्प ऑफ पोरवाल ट्रिक। एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वेट ऑफ CaCO3 अगर ना दिया जाए तो कैसे निकालोगे इसको। एक पोरवाल ट्रिक है, 10^2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। चेक करें, दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं दिखाई दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, दिखाई पड़ जाए। तो वेट ऑफ CaCO3 इन ग्राम इज इक्वल टू 10^2 मोल्स ऑफ अदर कैल्शियम सॉल्ट प्लस मोल्स ऑफ अदर मैग्नीशियम सॉल्ट। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको CaCO3 का वेट मिलेगा, और इस वेट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ हार्डनेस मिलेगा। बहुत ही सुंदर ट्रिक है, आधे पेज के क्वेश्चन को दो लाइनों में ये सॉल्व कर देती है, बहुत ही सुंदर ट्रिक हमारी है। वेट ऑफ CaCO3 बराबर 10^2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, राइट। जैसे इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिखेंगे 0.95 ग्राम ऑफ MgCl2 एंड 1.36 ग्राम ऑफ CaSO4। Present in 2 kg hard water. Full stop. Calculate degree of hardness. ठीक, क्या ये सवाल आप लोग कर लोगे? अब आप देख सकते हैं, degree of hardness मेरे से पूछा गया है, लेकिन मेरे को CaCO3 का वेट कहीं पर नहीं दिया गया। अपने को क्या दिया जा रहा है, अपने को मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट दिया गया है और CaSO4 का वेट दिया गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वेट ऑफ CaCO3 निकालेंगे, दैट इज 10^2।
मोल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट का वेट दिया गया है, अपॉन करेंगे इसका मॉलिकुलर वेट 40 और 32। इस सवाल की जगह कर दे रहे हैं 40, 32 और 16 चौको 64, 136 प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम का होता है 24 और 71, 95। कितना आएगा बच्चों बताओ? अगर 10 की पावर 2 को अंदर ले जाएं तो ये 136 हो जाएगा और ये 95 हो जाएगा, तो 1 + 1 = 2। तो आप देखिए, आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के वेट से CaCO3 का वेट आपने निकाला, दैट इज 2 ग्राम। अब इस वेट को अपन अपने फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं इस जगह का इस्तेमाल कर ले रहा हूं, इसके नीचे जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहां पे कर दे रहा हूं। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस बराबर CaCO3 इन ppm, दैट इज वेट ऑफ CaCO3 अपॉन वेट ऑफ हार्ड वाटर, किलोग्राम में दिया है, आप इसको ग्राम में बदलेंगे, इंटू 10 की पावर 6। तो सॉल्व कर लेंगे 1000 ppm। ओके बेटा, तो इस प्रकार से, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लो दोनों सॉल्टों के वेट दिए गए हैं तो दोनों के मोल्स निकाल कर ऐड करेंगे। मान लो इस सवाल सिर्फ इतना होता, 0.95 ग्राम ऑफ MgCl2 प्रेजेंट इन 2 किलोग्राम ऑफ हार्ड वाटर, तो सिर्फ मैग्नीशियम सॉल्ट के मोल्स को रखेंगे, इसको हटा देंगे, जिस भी सॉल्ट का जानकारी आपको दिया जाए उसके मोल्स यहां पर रख देंगे। दोनों सॉल्ट का जानकारी दिया गया तो दोनों के मोल्स यहां पर रखकर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस इस प्रकार से आपने पढ़ा, इट इज नथिंग, इट इज सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 इन टर्म्स ऑफ ppm। एक बात आपने नोटिस किया होगा, मैंने यहां पे लिखा एक्चुअली प्रेजेंट और नॉट, बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हार्डनेस नहीं होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड वाटर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिग्री ऑफ हार्डनेस हमेशा CaCO3 के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था एक्चुअली प्रेजेंट और नॉट। CaCO3 पानी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। चलिए अगले पेज पे भी काफी जगह खाली दी गई है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उस जगह का कोई यूज नहीं है, बस ये 2 सवाल मैंने आपको दिए थे, राइट बेटा, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट पॉइंट, हैवी वाटर, हैवी वाटर बोले तो D2O, मैं इसको हटाना चाहूंगा, हैवी वाटर को हैवी वाटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चों हैवी हाइड्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन का हैवियर आइसोटोप ड्यूटीरियम उपस्थित होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हैवी वाटर। ये नॉर्मल वाटर है जिसमें प्रोटियम उपस्थित है, मॉलिकुलर वेट कितना आएगा 80, और ये हैवी वाटर है जिसमें हैवी आइसोटोप ड्यूटीरियम उपस्थित है, मॉलिकुलर वेट कितना आएगा 20। तो हैवी वाटर में हैवी हाइड्रोजन ड्यूटीरियम होता है, इसलिए उसका मॉलिकुलर वेट ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हैवी वाटर हम लोग कहते हैं। हैवी वाटर को प्राप्त किया था बच्चों यूरे ने, किसने प्राप्त किया था बेटा, यूरे ने प्राप्त किया था, बाय रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन। नॉर्मल वाटर एक मिनट बेटा कुछ हिल गया लग रहा है,
ठीक है, ठीक आ रहा है, चलिए ठीक है। बस एक मिनट बच्चों रुकिएगा। आइए। हाँ, तो नॉर्मल वाटर जो था, नॉर्मल वाटर को बार बार गर्म किया और उसको ठंडा किया तो यूरे साहब ने हैवी वाटर को प्राप्त किया। बाय रिपीटेड डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ नॉर्मल वाटर उन्होंने प्राप्त किया था हैवी वाटर को, राइट। मॉलिकुलर वेट ऑफ हैवी वाटर इज 20, हैंस इट इज हैवियर देन वाटर, सो हार्मफुल फॉर लिविंग बींग एज इट स्लोस डाउन द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों की जो बॉडी है वो नॉर्मल वाटर के हिसाब से बनी हुई है, सारी रिएक्शन इसी के हिसाब से मेंटेन है। अगर हम नॉर्मल वाटर के स्थान पर हैवी वाटर को लेना चालू कर दें तो इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा, तो सारी रिएक्शन क्या कर देगा, स्लोस डाउन कर देगा। जब सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन स्लोस डाउन हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां आने लगेंगी। तो हैवी वाटर जो होता है हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है, लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल होता है। यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को कम करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें मॉडरेटर कहते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉडरेटर इज हैवी वाटर। मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, मेरी बात सुनो बेटा। हैवी वाटर का मॉलिकुलर वेट नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी वैल्यू हैवी वाटर के लिए ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, हैवी वाटर का आपकी कॉपी पे लिखा है 3.4, सही कर लीजिए 3.8 डिग्री सेल्सियस। हैवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर से ज्यादा होता है, इट इज 3.8 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100, हैवी वाटर का होता है 101.4, 101.4, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम डेंसिटी पानी की होती है 1 ग्राम पर ml, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और हैवी वाटर की होती है 1.1 ग्राम पर ml एट 11.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये तीन बातें बच्चों आपको याद रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट 3.8 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 101.4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml एट 11.6 डिग्री सेल्सियस। कुछ फिजिकल वैल्यूज ऐसी हैं जो पानी के लिए ज्यादा होती हैं, जैसे वैसे तो सारी फिजिकल वैल्यूज हैवी वाटर के लिए ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, लेकिन चार वैल्यू ऐसी होती हैं, फोर वैल्यूज विच आर ग्रेटर फॉर नॉर्मल वाटर। और इसकी लर्निंग ट्रिक है आईडी लेस। तुम्हारी कोई आईडी नहीं है, यू आर आईडी लेस। आई से क्या बना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डी से बना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एल से बना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एस से बना सरफेस टेंशन। चार चीजें ऐसी होती हैं जो वाटर के लिए ज्यादा हैं, आईडी लेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सरफेस टेंशन, राइट बेटा। अच्छा बेटा, एक बात मैं आपको यहां पे और बताना चाहूंगा कि वाटर और हैवी वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बगल में जगह खाली पड़ी है, SO3 नॉन मेटल ऑक्साइड है, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर हम लोग वाटर को डालें, दिस इज ए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन,
सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना कि नहीं बना। अगर वाटर के स्थान पर आप हैवी वाटर लेंगे तो एच के स्थान पर डी आ जाएगा, दैट इज दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज ड्यूटीरो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ड्यूटीरो सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब वाटर की रिएक्शन कराने पर जो प्रोडक्ट बनता है, हैवी वाटर को लेने पर भी वही प्रोडक्ट बनेगा, बस प्रोटियम के स्थान पर क्या लगा दोगे, ड्यूटीरियम लगा दोगे, राइट। एक रिएक्शन ये लिख लीजिए, और तो सारी रिएक्शन समझ में आई गई होंगी आपको, राइट। तो इस प्रकार से हैवी वाटर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। अगले पेज पर लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। आज हम लोगों ने डिग्री ऑफ हार्डनेस पढ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 इन ppm। अगर CaCO3 का वेट ना दिया जाए, सबसे पहले उसका वेट निकालोगे पोरवाल ट्रिक से, 10^2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सॉल्ट प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। जिस भी सॉल्ट का जो जानकारी दिया हो उसके मोल निकालेंगे और 10^2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम लोगों ने हैवी वाटर को पढ़ा, नॉर्मल वाटर को रिपीटेड डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन कराते हैं तो वन पार्ट हैवी वाटर प्राप्त होता है। यूरे साहब ने इसको बनाया था। हैवी वाटर में हैवी हाइड्रोजन ड्यूटीरियम होता है, इसलिए इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट 3.8 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 101.4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml एट 11.6 डिग्री सेल्सियस। चार फिजिकल क्वांटिटी वाटर के लिए ज़्यादा होती हैं। लर्निंग ट्रिक है ID लेस, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और सरफेस टेंशन। मैंने आपको बताया जो रिएक्शन है नॉर्मल वाटर की होती हैं वही रिएक्शनें हैवी वाटर की होती हैं, बस H के स्थान पर D आ जाता है, राइट। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोले तो H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड बोले तो H2O2। आइए पढ़ते हैं इसको बच्चों। सबसे पहले बनाया था थिनार्ड ने, कैसे बनाया था जरा ये देख सकते हैं। किसी भी मेटल परऑक्साइड में अगर हम कोई डाइल्यूट एसिड डालें तो मेटल अपने सॉल्ट में बदल जाता है और हमें प्राप्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो मेटल परऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैंने बोला बेरियम परऑक्साइड, तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि बेरियम परऑक्साइड का फार्मूला कैसे बनेगा। बेरियम सेकेंड ग्रुप का होता है, +2 चार्ज होगा, और परऑक्साइड आयन होता है O2-2। जिसको ना मालूम हो ध्यान रखे, परऑक्साइड आयन इज O2-2, राइट। 2 से 2 कट जाएगा तो बेरियम परऑक्साइड का फार्मूला बनेगा BaO2। इसको बच्चों क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेते हैं, डाइल्यूट एसिड मान लीजिए, आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्या होगा, मेरा प्लस तेरा माइनस ले लेगा, BaSO4 वाटर इनसॉल्युबल होता है,
प्रेसिपिटेट हो जाएगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग हो जाएगा। ओके, तो कोई भी मेटल परऑक्साइड ले लो, हमने बेरियम लिया है, आप कुछ और ले सकते हो, सोडियम परऑक्साइड ले सकते हो, डाइल्यूट एसिड डालोगे, मेटल अपने सॉल्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग हो जाएगा। राइट बेटा, सुनना, ये जो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, अभी आप अगले पेज पर पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट कर देते हैं। डिकम्पोजिशन का बच्चों मतलब होता है कि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, आप लिखिएगा मत, सब लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है। ये इसलिए अच्छा रहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के स्थान पर हम वीक एसिड का इस्तेमाल करें, लाइक H2CO3 और H3PO4। तो इट इज यूजली प्रेफर टू यूज वीक एसिड इन प्लेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड फेवर्स द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ये लिखा हुआ है, अच्छा सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहां पर एक कंफ्यूजन लिखा हुआ है आपकी कॉपी पर, सब लिखा है ना बेटा, आप ये चाहो तो लिख लो, परऑक्साइड आयन क्या होता है, बाकी सब लिखा है, ये लिख सकते हो, वाटर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक कंफ्यूजन बच्चों आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है, जब देखेंगे एक कंफ्यूजन बच्चों क्या लिखा है, PbO2, MnO2 और TiO2। अगर इन ऑक्साइडों को आप देखें तो दूर से देखने पर इनका स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ BaO2 के जैसा दिखाई पड़ रहा है, इनका फार्मूला जो है बेरियम परऑक्साइड के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये तीनों के तीनों परऑक्साइड हैं। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, ये तीनों बच्चों परऑक्साइड नहीं होते हैं, ये तीनों बच्चों होते हैं डाइऑक्साइड। आप जरा इनको खोलकर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इनके अंदर तो परऑक्साइड लिंकेज होती नहीं। ये देखिए, दोनों ऑक्सीजन अलग अलग हैं, दोनों ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में उपस्थित हैं और सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो आप बताइए बच्चों, ये देखने में जरूर बेरियम परऑक्साइड के जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये परऑक्साइड नहीं, ये डाइऑक्साइड होते हैं। अगर ये परऑक्साइड नहीं है तो आप बताइए, अगर आप इनमें कोई एसिड डालेंगे तो क्या H2O2 का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो एक बार एक मेडिकल में कि IIT में सवाल आया था, विच ऑफ फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड गिव H2O2। ऑप्शन था BaO2, PbO2, TiO2, ऑल ऑफ दीज। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ऑल ऑफ दीज लगाया है, वो गलत आंसर है। सिर्फ आंसर होगा BaO2, क्योंकि यही है परऑक्साइड। PbO2 भी परऑक्साइड नहीं है, MnO2 भी परऑक्साइड नहीं है और TiO2 भी परऑक्साइड नहीं है। ये तीनों के तीनों बच्चों होते हैं डाइऑक्साइड, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे बच्चों एक पॉइंट लिखा हुआ है, मर्क प्रोसेस। हाँ, मर्क प्रोसेस ये क्या है? इन्होंने कुछ कोई नया काम नहीं किया, बस पोरवाल सर की बात को फॉलो किया। इन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो H2O2 के डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देते हैं, तो इन्होंने चलाकी क्या दिखाई, इन्होंने एसिड का इस्तेमाल ही नहीं किया बल्कि उसके एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया। आप सभी को मालूम है कि CO2 वाटर की प्रेजेंस में H2CO3 बनाता है। तो ये देखिए, मेटल अपने सॉल्ट के फॉर्म में अलग हो गया और हाइड्रोजन परऑक्साइड अलग हो गया। तो मर्ग साहब ने और चलाकी का काम किया, इन्होंने डायरेक्ट किसी एसिड का इस्तेमाल ना करके उसके एनहाइड्राइड CO2 का इस्तेमाल किया। दिस इज कॉल्ड मर्ग प्रोसेस।
तो मेटल परऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड गिव हाइड्रोजन परऑक्साइड। एसिड जितना वीक होगा हमारे लिए उतना अच्छी बात है। मर्क साहब ने इसी में चलाकी दिखा दी, इन्होंने एसिड का इस्तेमाल ना करके उसके एनहाइड्राइड का इस्तेमाल किया। PbO2, MnO2 और TiO2 देखने में बेरियम परऑक्साइड के जैसे लगते हैं, लेकिन ये परऑक्साइड नहीं होते हैं, ये डाइऑक्साइड होते हैं। राइट बच्चों, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। CO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, पानी की प्रेजेंस में अपने ऑक्सी एसिड में बदल जाएगा। राइट, अगला बच्चों पॉइंट लिखा है, कोई भी परोक्सो एसिड हो उसमें अगर पानी डालते हैं तो वो अपने एक एसिड में बदल जाता है और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ये रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, आप देख सकते हैं केरोस एसिड H2SO5 और मार्सल एसिड H2S2O8, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, दोनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। दिस इज पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एक मोल पानी जाएगा, सल्फर अपने एक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में बदलेगा और साथ में बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर दो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, दो पानी लगेगा, 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाएगा और H2O2 अलग हो जाएगा। तो कोई भी परोक्सो एसिड हो अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो अपने एक एसिड में बदल जाएगा और साथ में बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। राइट, नेक्स्ट बेटा, इसको कैरोस एसिड कहते हैं, इसको मार्सल एसिड कहते हैं। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। राइट, ये मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए इतना ही बता दिया। अगला बच्चों पॉइंट लिखा है, लार्ज स्केल प्रिपरेशन। हाँ बेटा, ध्यान दो बेटा, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक रिंग है बेंजीन, दो रिंग नेप्थिलीन, तीन रिंग एंथ्रासीन। हमें बनाना है 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल, नॉल का मतलब OH, 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल। ठीक, देखो बेटा, लार्ज स्केल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ये सेकेंडरी एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन में बदलेगा, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए कीटोन में बदलेगा, बना हुआ है आपकी कॉपी पे शायद, हाँ बिल्कुल बना हुआ है। टू इथाइल एंथ्राक्यूनोन और साथ में बन गया H2O2, अब सुनना, जब मैं आपको हाइड्रोजन के लार्ज स्केल प्रिपरेशन सिखा रहा था तो वहां पे मैंने आपसे कहा था कि लार्ज स्केल का मतलब अधिक मात्रा में बनाना ही नहीं होता, हमें कॉस्ट भी क्या करनी होती है, कम। अब लार्ज स्केल में आप H2O2 तो बना रहे हो लेकिन 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल बर्बाद हो जा रहा है जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं इसको वापस से रीजनरेट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन में बदला, तो कीटोन का अगर रिडक्शन करा दें तो ये वापस से एल्कोहल में बदल जाएगा। आप पैलेडियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, निकिल ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो दिस इज लार्ज स्केल प्रिपरेशन। और यहां से एक बात ध्यान रखिएगा, H2O2 जो प्राप्त होता है इट इज 1%। ओके, तो दिस इज लार्ज स्केल प्रिपरेशन।